one thing that this ministry has purposed is that we will find people to find a purpose that is in God. इस कलीसिया का ये मकसद है कि हर एक भाई और बहन अपना मकसद प्रभु में ढूंढेंगे, अपना मित्र प्रभु में ढूंढेंगे. I'm telling you, this ministry is going to be a large ministry, and God's going to give you a goal to plant 100 churches here. Praise the Lord. Yes. This word is going to be something that you is going to, you're going to be tuned to this frequency of heaven. आज का वचन ऐसे होगा कि हम सब स्वर्ग के द्वारा हम पाएंगे. But to be in the frequency, there is a foundation of faith. लेकिन इसके पहले कि हम स्वर्ग के साथ जुड़ जाएं और एकत्रित हो, इस हमें हमारे जीवन में नींव होना बहुत महत्वपूर्ण है. And your foundation has to be of faith, because when faith comes, favor comes. और आपकी जो नींव है वो विश्वास की नींव होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको विश्वास है तो आपको परमेश्वर की मेहरबानी मिलेगी. Every time there was famine, there was always favor upon God's people. और जब भी अकाल था, जहां पर भी अकाल था, वहां पर हमेशा परमेश्वर की कृपा और मेहरबानी मौजूद थी. There was always an opportunity in the midst of fire to have the favor. और हर बार जब भी आग के बीच में और कठिनाई के बीच में परमेश्वर की मेहरबानी हमेशा मिलती थी. Because there was a division for those who were not God's people, they were frustrated. क्योंकि वहाँ एक भेद भाव था, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के जन नहीं थे वो बहुत ही व्याकुल बन गए. So the division of flesh and spirit only came when famine came. और इधर जो भेद हम देखते हैं, जो शारीरिक रूप में है और आत्मा का शारीरिक रूप से जो अलग होना है, उसी समय अकल है. There were many that will speak to you as though they are of the spirit, but they will be of the flesh when the famine is there. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऐसे बताएंगे कि वो आत्मा से है, लेकिन सच्चाई में वो शारीरिक रूप में आए हैं. So 2020 has been a year that was full of frustration. तो सन 2020 ऐसा सन है जहाँ पर बहुत ही कठिनाइयाँ का सन है. There has been a famine, but in the midst of famine, God always took His people to see favor. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अकाल है, लेकिन हर बार जहाँ पर भी अकाल होता था, परमेश्वर की कृपा हमेशा मौजूद थी. So I prophesy to you that 2021 will be a year of favor for those who have faith. तो आज मैं आपको भविष्यवाणी देता हूँ कि जब जो सन आने वाला सन जो 2021 होने वाला है, आपके लिए एक ऐसा सन होगा, एक ऐसा वर्ष होगा जहाँ पर आप परमेश्वर की कृपा और मेहरबानी को आप महसूस करोगे आपके जीवन में. So a famine was always a pattern that God brought every time whenever He wanted to bring favor on His people. तो अकाल ऐसा समय था कि हर बार जब भी अकाल आता था तो परमेश्वर की कृपा और मेहरबानी हमेशा थी अपने लोगों पर. But faith had to arise in God's people. लेकिन जिन लोगों के भी जीवन में अगर मेहरबानी आनी है तो उनके जीवन में विश्वास होना बहुत ही महत्वपूर्ण है. So if you have a foundation that brings the frequency of heaven, heaven is yours. तो अगर आपके जीवन में ऐसा नींव है जिसे आप पर स्वर्ग की बातों से एकत्रित हो सकते हैं और एक हो जाते हो, तो आपके जीवन में परमेश्वर की कृपा अवश्य आएगी. So only those who have faith will know the frequency of heaven. तो सिर्फ जिन लोगों को विश्वास है वो परमेश्वर से जुड़ सकते हैं. Those that are of the earth will have the flesh as their frequency. तो लेकिन जो लोग इस धरती में हैं और दुनियादारी में हैं, उनमें से दुनियादारी की चीजें मिलेंगी. So those who have the frequency, they think the way like the world, they feel like the world, and they speak like the world. जिन लोगों के से इन दुनियादारी के साथ जो जुड़ गए हैं, उन लोग सोचते हैं दुनिया के जैसे, उन्हें महसूस होता है दुनिया के लोगों के जैसे, और वे बातें भी करते हैं दुनियादारी के जैसे. But those that are of heaven, like Philippians 3:20,
they speak the language of heaven. लेकिन जो स्वर्ग के लोग हैं, जैसे फिलिपींस की किताब में लिखा है 3:20 में, वो स्वर्गीय बातें ही बात करते हैं. And only when they, when you declare things that are not, heaven comes in your midst. लेकिन सिर्फ जब आप ऐसे बात करते हो जैसे वो चीजें आपको दिखाई नहीं देती है विश्वास के साथ, तब आपके भीतर और आपके बीच में स्वर्ग आता है. So here you will see a pattern, and I want you to read what is in the word so that you will have a basis or a foundation to know what's coming in 2021. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसी चीज जो हम देखते हैं परमेश्वर के कार्य करने का तरीका, तो हम समझ जाएंगे कि आने वाला वर्ष कैसे होने वाला है. If you are the seed of Abraham, the first thing that will always come in your presence is the famine. और अगर आप इब्राहिम के वंश से हो और बीच हो तो हमेशा आपके जीवन में अकाल तो आएगा ही. If you are the seed of Christ, Galatians 3:29, then you are the seed of Abraham also. लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वंश में से हो और उसके बीच हो, जैसे गलतियों की किताब 3:29 में लिखा है, you will always have what Abraham had, because in the promise of Genesis 12:1, when he was told to leave whatever belonged to him to go to where God wanted him to go. और आपको इब्राहिम की आशीष अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था उत्पत्ति 12:1 में कि तुम जाओ और जहां मैं तुम्हें कहता हूं तुम वहां जाओ, वो हर एक आशीष उसे जो मिली थी. So after receiving the promise, the problem came. और जब इब्राहिम को वह वचन मिला और सब आशीष मिली, तब हम देखते हैं कि तब कठिनाई ही आई. Genesis 12:10 speaks of a famine that came immediately after the promise. और उत्पत्ति 12:10 में लिखा है कि उसे एक अकाल आया उसके जीवन में, लेकिन तब आया जब उसे आशीष मिली थी. Matthew 7:24 speaks about a storm coming to those that whatever house you have built, it only proves whether it's on the rock or on the sand. मत्ती 7:24 में लिखा है कि जिस के आपको कैसा अपने जो घर बनाया है उसके ऊपर भीतर रखता है कि जब आंधी और तूफान आता है वो आपका घर टिकेगा या नहीं टिकेगा. So only when it's a problem, the promise is going to be evident. तो इसका मतलब है कि सिर्फ जब हमें दुविधा आती है या तकलीफ आता है तब आशीष आती है उसके पास. So the promise that was upon Abraham was shown in the midst of a famine. तो यहाँ पर देखते हैं कि इब्राहिम के जीवन में जब आशीष कब आती है भाई बहनों, जब उसके जीवन में आकर आता है. So in the midst of that famine, in Genesis 13:1, after he comes out of Egypt, he receives not only favor from the king of Egypt, but he was able to be blessed in all things. और हम देखते हैं उत्पत्ति 13:1 में कि सिर्फ उसे कृपा नहीं मिली, लेकिन जब वह मिस्र देश से बाहर निकला, अपने आप को अलग कर दिया, उसे हर एक चीज की आशीष मिल गई. But his nephew Lot, the same who came out of Egypt, started walking in the flesh and he lost everything. लेकिन उसका जो भतीजा था लॉट, उसको हर वो भी निकला, लेकिन हर एक बात उसे नहीं मिली और हर एक आशीष उसे चोरी हो गई. So 2021 will be the year for the Abraham and for the one that thought a lot, but they are the lot that will lose the lot. तो सन 2021 ऐसा होगा इब्राहिम के जैसा और लूट के जैसे. So there will be a division that is going to come as the way it came in between Abraham and Lot. There was separation. तो यहाँ देखते हैं एक अलग बात होगी जो इब्राहिम के जैसे और लूट के जैसे. So Lot was the one who chose the best, but he lost everything. लूट ऐसा था जिसको लगा कि उसको सबसे अच्छी जमीन और अच्छी अच्छा भाग मिला, लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं कि सब कुछ उसने खो दिया. But Abraham chose the Lord, and because he chose the Lord, he gave the choice to Lot to make the choice. लेकिन इब्राहिम ने किसको चुना? उसने जमीन को या दुनियादारी की चीजें नहीं चुना, इब्राहिम ने परमेश्वर को चुना. और क्योंकि उसने परमेश्वर को चुना, उसने लूट को कहा कि जो तुम्हें चाहिए तुम चुनो. So Genesis 13:14, God spoke to Abraham that as far as you can see, that land I've given it to you. तो उत्पत्ति 13:14 में हम क्या पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने लूट से कहा कि जहां तक तुम्हारी आंखें देख सकती है तुम देखो और चुनो, और वही जमीन और सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है. So that is the promise of 2021.
और वही आशीष है जो आपको मिलेगी वर्ष 2021 में. It is the same as Matthew 6:33, because you have sought first the kingdom of God and His righteousness, all these things will be added to you. और ये एक ही बात है Matthew 6:33 के अनुसार, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पहले आप प्रभु को खोजिए और उसका राज्य और सब बातें आपके पीछे पीछे आएगी. So the same famine was the favor that came upon Abraham. तो यही देखते हैं, वही आपका आशीष का कारण बन गया इब्राहिम के ऊपर. But for Lot, the same famine became the fire in that famine. और वही आपका लूट के लिए जो आशीष का कारण नहीं बना, लेकिन उसके जीवन में एक आग के समान बन गया. So in Sodom and Gomorrah, there were fire that came upon Lot, but favor came upon Abraham and everything that he was blessed in Genesis 24:1. और सोडम एंड गोमोरा में हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो न्याय आया था और आग के द्वारा आया था, लेकिन 24:1 में हम पढ़ते हैं और उसको पूरी तरह से भस्म कर दिया. So here you will see the same pattern on the seed of promise Isaac. और यहाँ देखते हैं वही बात जो दोहराई गई है उसके बेटे इब्राहिम के बेटे आइजैक के जीवन में. So in Ecclesiastes 1:9 it says history repeats itself. क्या लिखा है कि इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है. So there is nothing new under the sun, but if you understand, God always works in cycles. तो आपको इसका मतलब है कि पृथ्वी में सूरज के नीचे कुछ भी नई चीज नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक ऐसे बात करता है जो बार बार हम देखते हैं उसे दोहराता है. Because Genesis 8:22, the main law that he has placed on earth is as long as the earth remains, seed time and harvest will always be there. तो लेकिन आप पढ़ते हैं उत्पत्ति 8:22 में कि वचन में लिखा है जब तक पृथ्वी है आसमान के नीचे जब तक हमेशा बीज और फसल हमेशा बनी रहेगी. So Luke 8:11 says that the seed is the word of God. लेकिन Luke 8:11 में लिखा है कि परमेश्वर वचन है जो बीज है. So if you have sown in the word of God, faith will be the foundation for your favor. तो अगर आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार बोया है आपके जीवन के हर परिस्थिति में विश्वास के साथ, तो आपको परमेश्वर की मेहरबानी अवश्य मिलेगी. So in Psalm 1 also it's repeating the same thing, that the same person who had the foundation saw the favor of God because he meditated on the seed of the word. और वचन संहिता 1 में भी हम पढ़ते हैं ये भी बात दोहराई गई है कि जो इंसान परमेश्वर के वचनों में मनन करता है और आगे बढ़ता है वो हमेशा परमेश्वर की कृपा पाएगा. In every season you will see favor because your foundation is faith. आपके हर मौसम में आप परमेश्वर की कृपा पाओगे क्योंकि आपकी नींव है वो विश्वास है. So in Genesis 26:1, that is the same famine that first was in as it was in the in Genesis 12:10. तो उत्पत्ति 26:1 में हम देखते हैं कि वही आकाल है जो बाद में हम पढ़ते हैं उसे वचन में है आइसा के बारे में, जो वही आकाल आशीष का कारण बन गया. But God spoke to Isaac that it's not time to go in the flesh, but it's time to go by faith, according to Genesis 26:3. लेकिन परमेश्वर ने इसहाक से कहा उत्पत्ति 26:3 में कि इस ये समय नहीं है मिस्र देश में जाने का, लेकिन यहीं पर टिको और यहाँ पर वो. So it was the land, dwell in the land, and the land is the land of faith. और परमेश्वर कहता है कि जिस भूमि पर आप हो आप उसी जमीन में और उसी भूमि में बने रहो लेकिन विश्वास के साथ. So here in Genesis 26:10 and 11 he started sowing, and verse 12 he reaped 100-fold. और उत्पत्ति 26:11-12 में हम देखते हैं कि वही जमीन में वही भूमि में इसहाक ने बोया और उसी वर्ष में उसे 100 गुना वापस मिला. So 2021 will be the year that you will need to keep sowing the seed of the faith of God, of the word of God, that you will reap 100-fold in the same year. तो उत्पत्ति 20:21 में है यही बात, आपको बोना है. क्या बोना है? आपको वचन बोना है, क्योंकि आप जब बोलोगे तो परमेश्वर की कृपा पाओगे. So in Genesis 26:12 we not only prospered in Genesis 26:14 he prospered to a point that people started envying him. तो उत्पत्ति 26:12 में इसहाक को इतनी बढ़ोतरी मिली, इतनी आशीष मिली कि सब लोग उसे जलने लगे. So it is going to be a year of 2021 where people are going to see you prospering because of your faith. और ये साल में लोग देखेंगे कि आपको बरकती मिल रही है, आशीष मिल रही है. क्यों? आपके विश्वास के वजह से. And people are going to envy, and that's the time that the gospel that you're going to speak
is going to declare the faith that's going to turn them from darkness to light. और लोग आपको आपसे जलन करेंगे और यही समय है कि आप लोगों को प्रभु के बारे में बताएंगे और जो अंधकार में है वो रोशनी में आएंगे और ज्योति पाएंगे. The same famine was also in the times of Joseph. और वही आकल हम देखते हैं यूसुफ के समय में भी था. So here you will see the distinction in the time of Abraham. There was Abraham and Lot. In the time of Isaac, there was Esau and Jacob. और हम देखते हैं इब्राहिम के समय में इब्राहिम और लूत था और ईसा के समय में ईसा और जेकब था याकूब था. Esau was of the flesh and Jacob was of the spirit. Esau शारीरिक रूप में इंसान था और जेकब आत्मा में. And Esau lost his birthright because he was of the flesh. And Jacob got not only the blessing of Esau, but every blessing because he was of faith. और जो ईसा था उसे अपना पहला लोटा बेटे होने के नाते उसकी विरासत हुई, लेकिन जो और उसका जो छोटा भाई है याकूब को हर वो विरासत मिली क्योंकि वह विश्वास के था. So the same story repeats in Joseph's time. Because Joseph, in the midst of famine, he stood out because he had an excellent spirit. लेकिन यूसुफ वैसी बात हम देखते हैं वही आकाल के बीच में वह ठहरा विश्वास के साथ ठहरा. And the same Joseph had favor in the midst of famine that he was lifted out of the prison and he landed into the palace. और वही यूसुफ विश्वास के नाते आकाल में वह उसने सही निर्णय लिया और वो ठहरा विश्वास के साथ और परमेश्वर ने क्या किया उसके साथ, परमेश्वर ने उसे उस पिंजरे से बाहर निकालकर उसे महल में डाला. I prophesy to you 2021 is going to be a year of palace for those who have been in prison. मैं भविष्यवाणी दे रहा हूँ कि जो कोई भी जिनके जीवन में इस समय वो पिंजरे के समान है अगले साल अगले वर्ष परमेश्वर आपको एक महल में लेके जाए. But you need to keep your foundation of the faith that comes from the word of God. लेकिन आपको अपनी नींव बनाए रखनी है विश्वास के साथ. सिर्फ वो नींव तब बनेगी जब आप परमेश्वर के वचन में टिके रहोगे. And that faith has to have the frequency of what you think, what you speak, and the way you move. और जो आपका वचन है इस पर निर्भर रहना चाहिए जो आप सोचते हो, जो आप वार्तालाप करते हो और जो आप बातें करते हो और जो सोचते हो. So here you will see Joseph in Genesis 50:20. He had one testimony of 2021. और यहाँ देखिए उत्पत्ति 50 और 20 में और उसके पास क्या गवाही थी. And this is what we're going to say in 2021. और यही बात आप देखोगे वर्ष 2021 में. In Genesis 50:20, he said the very thing what the enemy planned for evil, God turned it for my good. और उत्पत्ति 20:21 में 20वां वचन में लिखा है या जोसेफ ने कहा जो शैतान ने मेरे विरुद्ध चाहा था परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया. So I can say that what the enemy thought for you in 2020, God turned it for good in 2021. हम कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी शैतान ने आपके विरुद्ध किया था और सोचा था लेकिन परमेश्वर उसे बदल देगा अगले वर्ष में 2021 में. And here you will see Joseph prospering in everything that the very place that was not only for him but for his family was given in Gerar. That was the best of the land of Egypt. और यहाँ देखते हैं कि जोसेफ को हर एक बात में और उसके परिवार को भी बरकती मिली गेरार के भूमि पर और हर एक चीज परमेश्वर ने उसे आशीष की. So I declare a prophecy in 2021, the foundation of frequency that you will keep is of the faith that heaven speaks about from the word of God. और आज मैं भविष्यवाणी देता हूँ कि सन 2021 में आपको हर एक वो चीज मिलेगी जो स्वर्गीय रूप में है अगर आप अपनी नींव बनाए रखेंगे विश्वास के साथ वचनों के अनुसार. I'm not only prophesying to those who are able to hear, but I want to prophesy for those who are not only hearers but doers of the word. हम भविष्यवाणी देख रहे हैं सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो हमें सुन रहे हैं लेकिन उन लोगों के लिए जो करने वाले हैं. Because those that are going to walk in the flesh are going to go through the fire. लेकिन क्योंकि जो लोग शारीरिक रूप में चलने वाले हैं और शारीरिक रूप से चलेंगे वही आग के द्वारा भी चलेंगे. Because our God, Hebrews 3:1, he said he is the profession, he is the high priest of our profession. और इब्रानी 3:1 में लिखा है कि यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है वो हमारे लिए प्रार्थना करता है.
So it's not only your confession, it is what you do that he stands for. और यही बात नहीं जो आप अंगीकार करते हो लेकिन जिस बातों के लिए आप ठहरते हो और अपने जीवन में कबूल करते हो उसके लिए. So you need to keep away from Romans 8:6. The mind, the carnal mind, is an enemy of God. तो आपको रोमियो की किताब 8:6 से परे रहना है जो लिखा है जो शारीरिक मन है वो परमेश्वर का शत्रु है. But the mind that is of God, that is of, is full of peace and life. लेकिन जो परमेश्वर का मन है वो पूरी तरह से शांति और जीवन से परिपूर्ण है. So the spirit-filled mind in the midst of famine, you are having favor. तो जो परमेश्वर जो आत्मा से भरा हुआ मन है अकाल के बीच में भी आपको परमेश्वर की मेहरबानी मिलेगी. The carnal mind in the midst of famine, you will have to go through the fire for your flesh to be crucified. लेकिन जो शारीरिक आदमी है और शारीरिक जन है वो अकाल के बीच में भी अगर वह अशारीरिक है तो उसे आग के द्वारा चलना ही पड़ेगा. So it is a matter of your choice which frequency are you listening to. तो ये आपका निर्णय होगा भाइयों बहनों कि आप किस रास्ते से चलना चाहेंगे. So I'm asking you to tune yourself to the frequency of heaven. तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को स्वर्गीय बातों से जुड़ जाए. Because favor is your inheritance. क्योंकि जो परमेश्वर के अनुग्रह है और मेहरबानी है परमेश्वर चाहता है कि वो आपको आशीषित करे. But that inheritance has to become your image. लेकिन वह जो परमेश्वर की बातें हैं वो आपके जीवन का अस्तित्व बनना चाहिए. So once you have in your mind the image, you will have an identity what you speak. तो अगर आपके जीवन में यही बात है जो आप देख रहे हो और सोच रहे हो ये आपका रोज का अस्तित्व हो जाएगा और पहचान हो जाएगी. And that is what you're going to be speaking because that is your identity of how you speak because God only knows what you speak is what you become. और यही बात आप बार-बार अपने ज़बान से दोहराओगे और बातें करोगे और सोचते रहोगे क्योंकि यही बात है जो परमेश्वर चाहता है आप बन जाइए वचन के अनुसार. In 2 Kings 7:1, the amazing thing is that when the word of God came, the very famine that was upon Israel was turned in one day. Genesis. 2 Kings 7:1. दूसरा राजा 7:1 में हम पढ़ते हैं. In one day, when the word of the Lord came, in 24 hours there was a change, but the one that did not believe did not see it. और एक ही दिन में पूरा बदल गया जो परमेश्वर जब परमेश्वर का वचन आया और शब्द आए लेकिन जो इंसान ने भरोसा नहीं किया और विश्वास नहीं किया उसके लिए ये बात नहीं हुई. So it is your faith that's going to make the difference between your between the favor and the fire that you're going to see in 2021. इसका मतलब है आपका विश्वास है जो आपके जीवन में निर्णय लेगा कि या तो आप परमेश्वर की कृपा पाओगे या तो आग के द्वारा आपको जाना पड़ेगा. But that faith cannot be today only, but it has to be a foundation that will keep in what the way you think, in what the way you say. लेकिन ये विश्वास सिर्फ आपका नींव बनेगा लेकिन यही बात बताएगा कि आप जो कुछ भी देख रहे हो और जो आप बातें करते हो. This is, as we're going to close, this is something that you need to identify. In Luke 1:28, an angel came and said to Mary, as the way I'm telling you, the angel came and said to Mary, without her doing anything, that she is highly favored. और लूका 1:28 में पढ़ते हैं जैसे एक स्वर्गदूत मैरी के पास आया और उसने मैरी से कहा कि ये बेटी तुम परमेश्वर की मेहरबानी पा चुकी हो. The same thing she was repeated in Luke 1:31, and the same word is written for each one of us. The word accepted is actually the word highly favored in Ephesians 1:4. और लूका की किताब 1:31 में वही बात लिखी गई है और जैसे Ephesians में 1:4 में. So the same highly favored is the same word that has been given to every one of you that have come to know Christ without you doing anything. You've already been given favor even before you've stepped into it because he expects faith from you. और यही बात जो मेहरबानी के बारे में हम देखते हैं बार बार दोहराई जाती है लेकिन ये सिर्फ मरियम का नहीं था लेकिन हर एक भाई और बहन का है आपका है. So you need to identify not only with what Mary received but that when Christ was conceived she magnified immediately as the word came that she magnified not only in her spirit but in her soul and in her body.
लेकिन जब उसे वचन आया तो उसने विश्वास किया और इसी चीज को उसने बड़ों के भी से उसके आत्मा में नहीं लेकिन उसके शरीर में भी उसके देह से भी और उसके जबान से भी. And Christ was formed in her, was born through her, and the whole world is blessed, and that is what's going to happen in 2021 for you. और यीशु मसीह मरियम के द्वारा आया, उसका जन्म हुआ और पूरी दुनिया का आशीष का कारण बना और यही बात आपके जीवन में भी होनी है. God is going to show you favor not for the way for what you are but because of the faith that Jesus needs to be born in and through your life. और परमेश्वर आपको मेहरबानी से आशीषित करेगा इसलिए नहीं लेकिन इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु आपके जीवन से दिखाई देगा और उजियाला होगा. I pray that this message will be able to speak to you and you will be prepared through the word of God to have a foundation that doesn't only take height but it goes deep. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन आपको आशीषित करेगा और हम चाहते हैं कि आपके जीवन में आप ऐसा नींव बनेगा वचन के द्वारा कि आप सिर्फ ऊपरी की ओर नहीं जाओगे लेकिन उसकी जड़ भी बनेगी आपके जीवन में. So in 2020 there was a lockdown and I believe that at that time God wanted you to take depth so that you will take height in 2021. तो 2020 में एक लॉकडाउन था. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने चाहा कि आप सिर्फ गहराई में नहीं जाए लेकिन इस गहराई में जाए इस समय में जब आपके पास वचन है और सन 2021 में आप ऊंचाई पर जाए. So when you spend time in the presence of God, you will see not only the peace of God, but you will see the power of God. और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओगे, तो सिर्फ आपको परमेश्वर की शांति ही नहीं प्राप्त होगी, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य भी प्राप्त होगा. So I sum it up in this thing that in the midst of famine, there is favor for God's people. तो बस मैं इसी बात से समाप्त करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के जन के लिए और लोगों के लिए अकाल के बीच में हमेशा उनकी कृपा और मेहरबानी तैयार है. Immediately after the promise of Abraham, he saw the famine and he got his favor. और उसी समय में जब अकाल आया इब्राहिम को, उसने देखा कि परमेश्वर की कृपा कैसे उस पर है. But the same thing brought Lot and he got through the fire. से उसी समय में लूट हो गई लेकिन इब्राहिम को आशीष मिली लेकिन लूट को उसके आग से उसका न्याय हुआ. The same thing happened to Isaac in the midst of famine. He got the favor because he carried the frequency of faith. लेकिन ईसा के साथ वही चीज हुई क्योंकि अकाल के बीच में परमेश्वर की कृपा और आशीष ऊपर बनी रही क्योंकि वो विश्वास से ऊपर बने रहा. But Esau, his son, didn't learn something from it, but actually walked in the flesh. And had the fire and lost his birthright. लेकिन उसका जो बेटा ईसा था, उसको उस पर न्याय आया और उसे उसके पिताजी से नहीं सीखा, लेकिन उसके जीवन में भी आ गए. I pray that you will learn from the mistakes that has happened in 2020, that you will not walk in 2021 in the flesh and go through the fire. हम प्रार्थना करते हैं कि जो गलतियां हुई है 2020 में आप उसे सीखोगे समझोगे और वही गलतियां अगले साल में अगले वर्ष में नहीं दोहराओगे. So there is no condemnation for those who have learned from their mistakes, but there is a condemnation for those who continue in their mistake to walk in the flesh. वचन कहता है कि जो लोग आत्मा में चलते हैं उनके लिए कोई भी दंड नहीं है और कोई भी परमेश्वर उसे नहीं नकारेगा, लेकिन जो लोग नहीं सीखते हैं और नहीं समझते हैं उनके लिए न्याय होगा. But you will also say that this message is spoken to you because like Joseph, God will lift you up in 2021 and you will say as Genesis 50:20, what the enemy has done in 2020, it has worked out for 2021 for the favor of God. 50 और 20 में हम देखते हैं कि जैसे यूसुफ ने कहा था, जो परमेश्वर शैतान ने चाहा वो नहीं हुआ, लेकिन जो परमेश्वर ने चाहा वो बदल दिया आपके भलाई के लिए. अगले वर्ष में ऐसे ही होगा. So you will see this come to pass in your life because like Mary, you are ready to receive God's word today as she received it without her having done anything. The frequency of heaven arose in her and she had faith. तो जैसे मैरी ने विश्वास किया और स्वर्गीय बातें और उसका विश्वास जाग उठा, वैसे ही उस पर जो कृपा और मेहरबानी बनी रही, आप भी मैरी की जैसे आप परमेश्वर आपके जीवन पर भी कृपा और मेहरबानी बनाए रखेगा अगर आप उसी विश्वास में टिकोगे और स्वर्गीय बातों से आप जुड़े रहोगे. And your faith will also bring forth
what Christ is in you, the hope of glory. और आपके आपका विश्वास आपको आगे बढ़ेगा. यीशु मसीह आपके अंदर अंदर है जो आपको आशा देता है. If you are ready for what you have heard today, repeat after me. अगर आप तैयार हैं उस सब आशीषों को पाने के लिए जो आज आपने सुना है, आप हमारे पीछे दौड़ेंगे. Heavenly Father, I thank you. पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं. That today I receive this word with faith. आज मैं आपका वचन विश्वास के साथ प्राप्त करता हूँ. And I repent of anything that is of the flesh that I have done in the year past. और मैं हर एक चीज का पश्चाताप करता हूँ कि पिछले साल में मैंने जो कुछ भी किया है शारीरिक रूप से. I receive now your favor that will help me to build a foundation. आज मैं आपकी कृपा को स्वीकार करता हूँ, आपकी मेहरबानी को जो मेरी सहायता करेगा कि मैं अपने जीवन में एक नींव बनाऊं. I receive the Holy Spirit to teach me what to think and how to speak and what my attitude has to be. मैं पवित्र आत्मा को इजाजत देता हूँ कि मुझे सिखाए और अगुवाई दे कि मैं कैसे सोचूं, कैसे बातें करूं और कैसे कैसे कार्य करूं. As your kingdom has come, I now receive Romans 14, verse 17, that your righteousness, your peace and joy in the Holy Ghost is now upon me. और जैसे आपका राज्य आया है, रोमियों 14:17 के अनुसार आपका राज्य है धार्मिकता में और शांति में और मेरे जीवन में पूरा कंटेंट और आनंद से भरपूरी मुझे मिली है. And I receive 2021. That this is going to be a year that is full of peace, full of joy, and the favor of God. और मुझे विश्वास है और मैं स्वीकार करता हूँ जो आने वाला वर्ष है सन 2021 में परमेश्वर से कृपा से भरा होगा, आशीष होगा. And everything that is going to come in my life is going to help others to know the truth that has set me free. और हर एक बात जो मेरे जीवन में आनी है सब लोगों को बताएगा और दिखलाएगा जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है और उन्हें छुटकारा देगा. Because as I have sought first the kingdom and his righteousness, all things are going to be added to me in 2021. क्योंकि जैसे मैंने परमेश्वर को खोजा, उनके राज्य को खोजा, मुझे विश्वास है कि सब बातें मुझे दी जाएगी जैसे मैं परमेश्वर को पहला दर्जा दूंगी. As Galatians 3:29 says, I'm the seed of Abraham in Christ. And I have the favor of God. और जैसे गैलेशियंस में लिखा है कि मैं परमेश्वर का बीज हूँ और मुझे यीशु मसीह में वो आशीष मिली है. And I receive every one of those words that all His promises are now yes and amen according to Your word. और मुझे हर एक वो आशीष मिली है और वचन मिला है जो वचन लिखा है कि हर एक बात प्रभु यीशु में हाँ और अमीन है. Isaiah 61 verse 7 says, I have double for all my trouble and whatever I have gone through in 2020, I receive it that it is now turned for my good. और वचन लिखा है Isaiah 60:21 में लिखा है कि हर एक बात जो मेरे से छीनी गई है परमेश्वर मेरे शर्म के लिए मुझे दुगना लौटाएगा. I not only receive restoration, but I have resurrection life that works the favor of God. That has a foundation. मुझे सिर्फ हर बात मुझे लौटाई नहीं गई है लेकिन परमेश्वर की कृपा मिली है और मुझे एक पूर्ण स्थान मिला है मेरे जीवन में. I thank you, Lord, today not only faith is arising, but faith is going to be the foundation of your favor throughout the year. और मुझे पता है कि इससे विश्वास ही नहीं जगह मेरे जीवन में लेकिन विश्वास के द्वारा एक ऐसी नींव बनी है कि पूरे अगले साल में मुझे परमेश्वर की मेहरबानी और कृपा. And Psalm 1 is going to be my testimony because I'm not only going to be standing at the right place, to be seated at the right place and walk at the right place, but to do what you have asked me to do and sow in the world. और भजन संहिता 1 मेरे जीवन का भाग होगा क्योंकि मैं सिर्फ सही जगह में ठहरूंगा नहीं और चलूंगा नहीं और बैठूंगा नहीं लेकिन आपका वचन मिला है और मैं हर बार सही चीज और सही मायने में भी करूंगा. I receive this confession and testimony as my testimony according to Revelation 12:11. और मैं ये गवाही प्राप्त करता हूँ प्रकाशित वाक्य 12:11 के अनुसार. Through the blood of Jesus, it is done. परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये बात मुमकिन है. I'm highly favored. मुझे परमेश्वर की कृपा मिली है. Because I have a foundation. क्योंकि मेरे जीवन में एक नींव है. And your faith will always make me an overcomer. और आपका जो विश्वास है हमेशा मुझे विजय देगा. According to 1 John 5:4-5. 1 यूहन्ना 4:4-5 में लिखा है. I am an overcomer because of faith.
मुझे हर भाग में विजय मिली है विश्वास के द्वारा. And Revelation 3, I thank you for that faith. और प्रकाशित वाक्य 3 लिखा है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस विश्वास के लिए. I receive that in Jesus name. मैं यीशु मसीह को स्वीकार करता हूँ और उनकी बातें मैं स्वीकार करता हूँ यीशु मसीह के नाम से. In Jesus name. यीशु मसीह के नाम से. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे.